हाँ तो दर्शक मित्रों, माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी कि जैसे आप ये देख रहे हैं और जूस बनाने की विधि, उसकी सावधानियाँ और उसके लाभ, ये सब आज हम देखेंगे। अनार, पाम ग्रेनेट जिसको कहते हैं, अनार भी ओरिजिनल यहाँ का नहीं है, वो अमेरिका रशिया वहाँ से आया हुआ पौधा है और उसको भारत में बनाया गया है, मतलब खेती के उसमें, और उसको फिर यहाँ अब तो यहीं बनता है, यहीं पौधा उसका पेड़ उगता है। और ये अनार जो है वो दानेदार रेड कलर का होता है, सफ़ेद कलर का भी होता है, मतलब तीन प्रकार होते हैं उसके। एक मीठा होता है जो लाल दाना जैसे अभी आप देख रहे हैं, दूसरा एक सफ़ेद दाना भी आता है, तो वो सफ़ेद दाना जो होता है वो थोड़ा खट्टा होता है और एक सफ़ेद मिश्रित होता है, लाल लाल और सफ़ेद, तो वो खट मीठा होता है। खट मीठा और लाल वो बहुत बेस्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये भी तीन दोष जो हमारे हैं, वात पित्त कफ, उसको शमन करता है। लेकिन जो सफ़ेद दाना होता है वो वायु को और कफ को उसका शमन करता है, पित्त को बढ़ाता है। तो जिसको पित्त प्रकृति है उसको सफ़ेद दाना वाला अनार नहीं लेना चाहिए। और अनार इतना अच्छा फल है कि खांसी को मिटाता है, जुकाम सर्दी उस बुखार उसमें भी लिया जाता है, और जब हम उपवास करते हैं तो उसमें खाने के जगह ये फलों का रस जो हम लेते हैं, अनार का बेस्ट माना जाता है। ये लीवर है ना, एक अनार सौ बीमारी दूर होती है उसकी। और ये जो है लीवर माने यकृत, हार्ट, किडनी और हमारी आंतें जो है, उस सभी के जो रोग है उसको दूर करने में मददगार है। तो अनार का जूस हम बनाते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि क्या ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस तरह का लें, आपने अलग अलग तरह के बताए हैं, तो क्या सार्वजनिक रूप से सभी के लिए किस तरह का हमें लेना चाहिए? क्या ऐसा लाल, ये लाल रंग का बेस्ट है और खट मीठा भी ठीक है, लेकिन मीठा वाला जो है वो बहुत अच्छा है, तो तीन दोषों का शमन करता है। और वो तो आपको पता चलेगा वो देख के ही, लाल जो होता है वो अंदर से लाल दाना निकलता है और सफ़ेद दाना मतलब ऐसे जो ये है ऐसा, तो उसमें से सफ़ेद और या तो सफ़ेद लाल मिश्रित रहता है। तो ये है दो अनार का दाना है और उसको हम एक गिलास से भी कम, वैसे जो जूसर आता है उसमें तो आप दाना डालेंगे और सीधा जूस ही निकलेगा, हमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मिक्सर में हम आधा से एक गिलास जितना, मतलब आपको बनाना है क्वांटिटी, उस हिसाब से पानी डालते हैं। और पानी डालना कोई ख़राब नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में भी पानी है और पानी इतना अच्छा है कि वो थोड़ा कम गाढ़ा होता है और अच्छे से हम पी सकते हैं। और पानी मिलाने से कोई शरीर में रिवर्स इफेक्ट नहीं आती है, तो इसलिए अच्छा। बस अच्छे से मिल जाए इतना पीस लेना है उसको। शक्कर भी डालने होता है? शक्कर सबका स्वाद अनुसार करना है, किसी को मीठा बहुत पसंद है तो शक्कर डाले, बाकी शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा ही ले तो ज़्यादा लाभ, ज़्यादा मतलब नेचुरल वे में जो प्राकृतिक उसका है उसी अनुसार ले तो अच्छा है। और हमारे यहाँ माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र में हम कुछ भी चीज़ में नमक नहीं डालते हैं, चीनी ऊपर से नहीं डालते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी मतलब उसमें वो पड़ता है। बाकी गुड़ का उपयोग करते हैं, बूरा का उपयोग करते हैं और ज़्यादातर तो हम कुछ डालते ही नहीं, नेचुरल वे में जो है जैसा ही पियो, गाजर है या अनार है, पपाया है, सब वैसे नेचुरल वे में पिया जाता है। तो ये एक ऐसा फल है जो सभी रोगों में और सभी के लिए लाभकारी है। जी, तो ये आपने देखा, ये देखो इसका भी कलर लाल है, ये रक्त शोधक भी है और रक्त में हीमोग्लोबिन वो भी बढ़ाता है, बुखार के लिए भी अच्छा है
और पीने में टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आओ बेटा पियोगे, पियो और बताओ बताओ कैसा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आप क्या संदेश देंगे अपने मित्रों को? पी लो, ले पकड़ो, हाथ में पकड़ो, दो हाथ से पकड़ो बेटा। और इससे हमारे रक्त बढ़ता है और टेस्टी भी है ना। जैसे बच्चे तो आजकल ना लिमका पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये अच्छा कि वो अच्छा? ये। क्यों? ये। मीठा है और कुदरती है। हाँ, कोका कोला क्या करता है, हड्डियाँ गला देता है और ये हड्डियाँ मजबूत करता है ना। और बहुत टेस्टी भी है, झाग भी बनते हैं। और लिमका नहीं पीने से ऐसे बहुत सारे फ्रूट जैसे बनाना सिखा रहे हैं, तो ऐसे बनाए और पियो। बहुत अच्छा बच्चों। अनार का जूस कैसे बनाना है उसकी विधि हमने देखी और उसके लाभ भी जाने, और बच्चों ने भी बताया देखो ये कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा अच्छा है। तो ये था अनार जूस की विधि, और अगली कड़ी में हम कुछ और नया सीखेंगे। और तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद सभी का।